Yes, Martha. Professionals. प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अन्य सेवाओं के पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, प्रमुख नागरिकों, व्यापारियों, उनको जनसुराज अभियान में जोड़ने की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है उसकी आज दूसरी कड़ी है। और आज भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी गण, शामिल हो रहे हैं और हमारे बीच इन पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए बलमृत सेना सत्ता सेनानी श्री जशनेन्द्र प्रसाद सिंह जी जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, 89 वर्ष के हैं, गांधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जयप्रकाश सिंह के आंदोलन जुड़े रहे हैं, समाजवादी आंदोलन जुड़े रहे हैं और आज भी समाज के सर्वकालों से जो समाज के मुद्दे हैं उनसे इनका जुड़ा रहा है। हमेशा राजनीति से दूर, सत्ता से दूर रहने का इनका संकल्प है और बाकी जनसुराज के प्रति क्या विचार है इस संबंध में हम लक्ष्मण बाबू को आमंत्रित करते हैं और आज की प्रेस वार्ता का संचालन करने अपनी बातें कहने के लिए और यहाँ आने के लिए इनको धन्यवाद देते हैं और इनको हम आगे अलग करते हैं। यहाँ उपस्थित सज्जनों और प्रेस के मित्रों, भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस आजादी के जो मर्म, आजादी के जो मकसद उस समय घोषित थे, आज भी सामान्य आदमी उसकी अपेक्षा और उसका इंतजार कर रहा है। हमारी आजादी का जो सबसे पहला मकसद था और आजादी के जो सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी, उन्होंने आजादी के साथ ही ये घोषणा की थी कि भारत की आजादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गांव का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। ये काम तो पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि हमको एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिस शासन व्यवस्था में गांव मजबूत होगा, सरकार उससे कम मजबूत होगी, उससे कमजोर होगी, यानी ऐसी सरकार जिससे हमेशा हमारा समाज मजबूत होगा, ये कल्पना महात्मा गांधी की थी। ग्राम गणराज्य की दिशा में कोशिश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। आचार्य विनोबा भावे ने बड़ा आंदोलन चलाया जिस आंदोलन ने समूची दक्षिण एशिया के जनजीवन को प्रभावित किया और जो लैंड हंगर का सवाल उन्होंने उपस्थित किया उसने करुणा से समाज बदलने के लिए एक वातावरण बनाया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे, उन्होंने चौखम्मा राज की बात करी। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की, लेकिन वो काम आज जहां है वो फलदायक नहीं बना ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। जन स्वराज आंदोलन उसी काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं उसको एक ग्रेटर प्रोस्पेक्ट देने के लिए, व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, किसान के बीच तो स्वयं प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, शिक्षा की हालत सुधारने का प्रयास हो रहा है इस पदयात्रा के जरिए, गाँव की उन्नति के सारे जो सवाल हैं उसको हल करने की दिशा में जन जागरूकता पैदा की जा रही है। लेकिन आज जो ये नया एक अभियान में जुड़े हुए लोग हैं, जो पुलिस पदाधिकारी,
जिनको व्यवस्था परिवर्तन में बहुत रुचि है और इन्होंने व्यवस्था के त्रासद भी झेले हैं और उसकी अनुकूलताओं को भी देखा है, लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था परिवर्तन आज की सबसे बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है और आप सब शामिल हो रहे हैं तो इस आंदोलन को एक बड़ी गति मिलेगी, एक व्यापक आयाम मिलेगा। इस उम्मीद के साथ हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और आप सब लोगों का हम हार्दिक हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस अभियान को व्यापक, गतिशील और ताकतवर बनाने में आपका सहयोग एक ऐतिहासिक पहल के रूप में याद किया जाएगा। ये नाम मैं बारी बारी से उनके नाम पढ़ता हूँ, उनकी उपस्थिति है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ जितेंद्र मिश्रा, समस्तीपुर, सेवा निवृत्त पुलिस महानिरीक्षक यानी IG होम गार्ड, 204 इंडियन पुलिस सर्विस बैच से हैं। दूसरे हैं SK पासवान वैशाली, सेवा निवृत्त महानिदेशक जी जी बैठे महानिदेशक, 1979 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। तीसरे हैं श्री KV सिंह जी, KV सिंह जी सारण, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, DIG संचार, 1983 इंडियन पुलिस सर्विस बैच जी जी, बहुत धन्यवाद। चार, उमेश सिंह बेगूसराय जी, उमेश बाबू बेगूसराय, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, IG विजिलेंस, 1984 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। अनिल सिंह सुपौल, अनिल सिंह जी सुपौल, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, DIG मुजफ्फरपुर, 2002 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। छह, शिवा कुमार झा जी सुपौल, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, DIG इकोनॉमिक्स अफेयर, 2004 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। नंबर सात, अशोक कुमार सिंह सिवान, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, IG 1980 बिहार लोक सेवा आयोग बैच 1999 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। आठवां नाम है राकेश कुमार मिश्रा साहब सहरसा से आते हैं, सेवानिवृत्त महानिदेशक, DG 1986 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। इसके बाद मैं चार नाम आपको बता रहा हूँ जो किसी कारण से, कुछ अपरिहार्य कारणों से आ तो नहीं सके, लेकिन जन स्वराज में उनकी पूरी निष्ठा है और घोषित तौर पर वो जन स्वराज के साथ सम्मिलित होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके नाम हैं CP किरण पटना, मोहम्मद रहमान मोमिन भोजपुर, शंकर झा सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच और दिलीप मिश्रा साहब सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच। ये लोग आ नहीं सके, लेकिन इनका पूरा सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त है और वो यहाँ जब भी उनको मौका मिलेगा इस अभियान में शामिल हो जाएंगे, अपना योगदान देना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं उनको सम्मान स्वरूप शॉल और गुलदस्ता देकर काम कर श्री SK पासवान जी, श्री KV सिंह साहब, बिल्कुल याद अच्छी है, मेरी याद अच्छी है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आज यहाँ देख कर मैं गदगद हो गया। श्री उमेश कुमार सिंह जी, Thank you.
कुमार झा जी, श्री अनिल कुमार सिंह जी, श्री अशोक कुमार सिंह जी, श्री जितेंद्र मिश्रा जी, श्री हर के पास हर के मिश्रा जी, ये 90 वर्ष के युवा है, जन स्वराज की जान है। सबको साल पढ़ाने के बदले में एक और दो एसके पासवान जी 78 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा के यूपीएससी क्लियर किए हुए, और मैं 86 बैच में भारतीय पुलिस सेवा से यूपीएससी से हूँ। बाकी तमाम मेरे सहयोगी और सीनियर्स हैं, ये बिहार पुलिस सेवा से हैं और बाद में इन्हें भारतीय पुलिस सेवा में इनका सामंजन हुआ और भारतीय पुलिस सेवा की अर्हता प्राप्त करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होके, और तमाम पदाधिकारी अपने समय में विभिन्न जिलों में काम किया है, डीआईजी और आईजी में काम किया है, और सबने अपने अपने समय में एक अहम मुकाम हासिल किया है, और इन सबके मन में एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा थी जो जन स्वराज के मंच पे आके इसको ये शामिल करना चाहते हैं, इसको सफल करना चाहते हैं। एक चीज जो चर्चा हो रही होगी आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर जन स्वराज आईएएस पदाधिकारी आईपीएस पदाधिकारी इन सेवानिवृत्त लोगों को शामिल करके क्या संदेश समाज में देना चाहती है, क्योंकि आज तक ये माना जा रहा है कि राजनीतिक करने वाले कार्यकर्ता जमीन में जब काम करके ऊपर आते हैं तभी उनको राजनीतिक मुकाम मिलता है, राजनीतिक स्तर मिलता है, और शायद वो प्रयोग पिछले 75 वर्ष में हुआ है। और आपको ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसमें जुड़ने वाले जितने पदाधिकारी जितने लोग थे उसमें अधिकांश प्रमुख नागरिक थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग थे, पुलिस सेवा के लोग थे, और विभिन्न बैरिस्टर थे, वकील थे, व्यापारी थे, तो प्रमुख नागरिकों द्वारा आंदोलन शुरुआत किया गया, और बाद में संविधान के बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बाद ये सबके लिए खुला, सब आए, सबने काम किया, लेकिन ऐसा एक मुकाम आ गया जहां पुनः हमें उन अनुभवों को संजोकर उनके मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास करना पड़ेगा। नरसिंह बाबू ने बहुत सही कहा कि गांधी जी के ग्रामीण स्वराज स्थापित करना, ग्राम
गंगा जी रामेंद्र तंत्र को स्थापित करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए जन स्वराज संकल्पित है। और ये पदाधिकारी जो शामिल हो रहे हैं, इनकी इनके अनुभव, इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग इसमें कहीं ना कहीं हमको एक नया मुकाम देगा और एक प्राण देगा। बाकी मैं चाहूंगा एक तरफ अशोक बाबू से शुरू करके मैं मेरा परिचय में दे देता हूँ, बाकी अशोक बाबू से अपना परिचय होकर लास्ट तक अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है, 86 बैच भारतीय पुलिस सेवा सहरसा बनगांव का रहने वाला। इंजीनियरिंग डिग्री के बाद टाटा मोटर्स में काम किया, 86 में भारतीय पुलिस सेवा बिहार कार्यालय, बाकी केंद्रीय प्रतिनिधि में भी सीआईएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी में काम किया और अंत में डीजी होमगार्ड के पद से 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अब मैं अशोक जी से अनुरोध करूंगा कि एक अपना परिचय दें। आगे निगरानी में बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत बड़े बड़े लोग अब कहीं वो नक्सल घूमते कम से कम एक चीज तो होना चाहिए और कई जगह बिहार झारखंड में काम किया डिफेंस कैपेसिटी में, और 2004 में आईपीएस में हमारी प्रोन्नति हुई, उसमें भी हमने एआईजी एसपी रेल कटिहार पटना में हमने काम किया। पटना में जब हम रेल एसपी हुआ करते थे उसमें हमने स्लम डेवलप्ड बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, खास करके पाटलिपुत्र राजेंद्र नगर पटना जंक्शन तरेंगना आरा, और जब तक हमने वहां पर काम किया वह पढ़ाई चल रही थी, मेडिकल कैंप भी हम लोग लगवाते थे। राजेंद्र नगर में अभी भी बच्चे पढ़ने आते हैं और उन्हें गायत्री परिवार के बच्चों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहाँ से प्रमोशन के बाद हम डी आई जी मुंगेर हुए, मुंगेर में भी हमने प्रयास किया, फिर एसटीएफ में रहे, एसटीएफ से सिविल डिफेंस होमगार्ड डी आई जी एंड आई जी होमगार्ड एंड फायर सर्विस से हमने रिटायर किया। चूंकि हमारे एक पर्सनल इंटरेस्ट है सोशल सर्विस करने का, इसलिए हमें लगा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे और नहीं मिलेगा, तो हमने जन स्वराज को ज्वाइन किया है और मैं प्रयास करूंगा इसके तहत जो भी हम खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम योगदान दे सके देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। राजीव सिंह, केवी सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। वर्ष 1971 में मैं बी एस पी में ज्वाइन किया था और तब से लगातार बिहार में विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहकर 1983 बैच में सीनियरिटी आई पी एस में हमला की गई थी, तब से यहाँ बिहार में विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं बताना चाहूँगा। लक्ष्मणपुर पार्टी जहाँ 60 सैनिकों की हत्या हुई थी वहाँ मुझे डी आई जी बनाकर भेजा गया था। मैं बिहार में डी आई जी एडमिन के पद पर भी रहा जब झारखंड नहीं बैठा था। झारखंड बैठने के बाद मैं चला गया झारखंड और वहाँ डी आई जी कम्युनिकेशन के पद से सेवानिवृत्त। बिहार की क्या स्थिति है, क्योंकि बिहार के तट पर पैदा हुआ हूँ और बिहार ही में हम लोग हमारे किसी से छिपी नहीं है, इस पर बहुत प्रकाश डाला जा चुका है और इसमें बदलाव की आवश्यकता सब लोग महसूस करते हैं। क्योंकि राजनीति एक व्यवसाय बन के रह गई है, सेवा उसमें नहीं रह गया है। जो भी आते हैं राजनीति में, देख लीजिए जिस पार्टी के हों, एक बार राजनीति में आए वो मालोमाल होने की चिंता में पड़ जाते हैं और सेवा की जगह व्यवसाय का भी राजनीति को ले लिया गया है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है और इतने दिनों तक सरकारी सेवा में रहने के बाद सरकार की खामियों से अच्छी तरह से लोग अवगत हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी सहयोगी जो इसमें योगदान दे रहे हैं जन स्वराज पार्टी में, इन खामियों को दूर करके बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे और जन स्वराज का हाथ मजबूत करेंगे।
ऐसे मौके पर मैं सभी सहयोग मैं अनिल कुमार सिंह सुपौल जिला के गढ़बरवाड़ी गांव का रहने वाला हूँ। 1987 बैच का डीएसपी हूँ, फिर 2002 बैच का है पीएसओ, तो दिन के वो डीएसपी और एसपी जो काम कर चुका हूँ। मैं जी का नाम है विद्या रहते हुए 2019 में सेवानिवृत्त हुआ। तुम्हें बस मौत की चिंता, अहम तो देश है बच्चों। तुम्हें बस मौत की चिंता, अहम तो देश है बच्चों। मिलेगा वक्त तो देखेंगे हम तेरे मसायल भी, अभी मसला सियासत का जरा दरपेश है बच्चों। यही हालत भी अपने यहाँ की सियासत का है, लोगों को किसी और उलझन में, कुछ किसी और सपने में, सपनों में डालकर आज की जो सियासत हो रही है उसका यह तजुर्बा हुआ है कि आजकल नेतागिरी के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोग सिर्फ व्यय करते हैं। राजनीति पॉलिटिक्स मतलब सच्चाई, पॉलिटिक्स मतलब करप्शन। बहुत दिनों से जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब सोचा करते थे कि कोई ऐसा वक्त आता कि हर एक परिवार से, हर एक गांव से, हर एक समाज से एक एक अच्छा आदमी निकल के आता जो कि राजनीति में आता और इस पूरे वो अपने वृषभ कंधों पर ये पूरे जुआ जुआ का भार ले लिया होता। हम चुनते हैं उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो हैकनिक वे में चले आ रहे हैं, किसी का खानदानी राजनीति किसी की चल रही है, कोई दल विशेष बना करके अपनी हाथी समझकर राजनीति कर रहा है। सुराज उसको आप या तो स्वराज कहें, अपना राज कहें, या सुराज यानी सुंदर राज कहें, यह राज अभी तक नहीं आ पाया। तो ये बड़ा अच्छा अवसर मिला जब प्रशांत किशोर जी का हम लोगों ने अभियान सुना कि आप में से चूंकि आपको खुद निकाल देना है कि जो तुम आगे बढ़ के राजनीति करो, इस देश को, इस राज्य को आगे लेकर तुम्हें जाना है। जब ऐसे लोगों को चुन के आप निकालेंगे अपने पगलों के बीच से तभी राजनीति अच्छी होगी। वरना मैं पुलिस में आने के पहले बैठाता था भारत यूनिवर्सिटी में, थोड़ी बहुत साहित्य में रुचि है, तो मैंने अपनी गजलों के में इसका उल्लेख किया है कि कांटों से दोस्ती का मजा हमसे पूछिए, फूलों की बेवसी का मजा हमसे पूछिए, कांटों की दोस्ती का मजा हमसे पूछिए, फूलों की बेवसी का मजा हमसे पूछिए, और पकड़ाया काफिले का न मुजरिम कोई कभी, रहबर की रहजनी का मजा हमसे पूछिए। हम यह उम्मीद करते हैं कि अब रहबर जो बनने का दम भरते हैं वो रहते न रहे और हमारी टीम जो आगे निकलेगी तो निश्चित रूप से हम कुछ नया कर पाएंगे समाज का। धन्यवाद। और मैं वैशाली जिले के मधार का रहने वाला हूँ, मेरा गांव बिशनपुर है। मेरे लिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक सपने जैसा है, और ऐसा सपना जिसको मैं जब तक के देख रहा हूँ और इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा तीसरा सपना। हमारे परिवार में, हमारे समाज में और इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात है, और मैं इंजीनियर बना और इंजीनियर रूप में भी काम किया। इंजीनियर का काम बहुत अलग तरह का होता है, निर्माण का काम होता है, और जो कुछ भी हम पढ़ते थे वो इमेजिनरी चीज़ें होती हैं उसको कार रूप में पढ़ने करते हैं, और बहुत सेटिस्फाइंग काम था। उसके बाद यूपीएससी में 1978 में मैं शिक्षा दी और भारतीय पुलिस सेवा के लिए बात किया, और मैंने अपना जो प्रिफरेंस दिया था स्टेट का वो बिहार में किया, क्योंकि बिहार में काम करना बहुत सौभाग्य की बात थी। यहाँ का वहाँ मैंने जन्म किया, जिन लोगों के बीच में से मैंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों बहुत ही अच्छे राज्य हैं,
भी बहुत अच्छे राज्य हैं, बहुत विल एटमोस्फेयर है, बहुत विल पुलिस राज्य है। वहाँ पर मैंने अपना दूसरा सपना जिया देखा और वो भी मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था, लोगों के बीच में जाना। और पुलिस का काम मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र काल है। हम लोगों की जान की माल की रक्षा करते हैं, उनकी इज्जत की रक्षा करते हैं, जो कि जो मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको एंजॉय करने के लिए हम एक माहौल तैयार करते हैं, एक बहुत पवित्र काम किया है। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया तो मेरा जो कुछ का सपना था अपने लोगों के बीच में जाने का, उसको मुझे कार रूप में प्रयोग करने का मौका मिला। और जो प्रशांत किशोर जी हैं वो ऐसे इलेक्शन में इतने धनी कि मुझे लगा कि इनके नेतृत्व में बिहार में जो मूवमेंट चल रहा है उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में चेतना फैला सकते हैं। हम लोग अभी जो है एब्सोल्यूट्स की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट्स मतलब एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करते। हम इसका मतलब यह है कि हम सब में ये सोचते हैं कि सब में मिलावट हो और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इंटीग्रिटी से समझौता करना पड़ेगा, हमें जो है ईमानदारी से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा उनमें कि हम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, लोगों में हम भाईचारा उत्पन्न कर सकते हैं, लोगों को हम सामाजिक न्याय दे सकते हैं, लोगों को हम आर्थिक न्याय दे सकते हैं, हम लोगों को राजनीतिक न्याय दे सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य बिहार को आगे ले जाना। और इस काम में मैं लगा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग इस काम में बहुत सफल होंगे। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद। बेगूसराय मेरा घर हुआ, स्टूडेंट लाइफ से ही मैं सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का मैं काउंसिलर था, 74 बैच का DPSC का मैं DYSP में नियुक्त हुआ। उससे पहले मैं 4 साल हिस्ट्री का लेक्चरर था और विभिन्न पदों पर रहकर IG विजिलेंस के पद पर से मैं रिटायर किया 2007 में। उस दिन से मैं जन मुक्ति आंदोलन जो डॉक्टर बीएन की संस्था थी जयप्रकाश मूवमेंट में आए थे, मगध क्षेत्र में काम किए थे, मैं लगातार उसका अध्यक्ष रहा। अभी व्यास जी मिश्रा रिटायरमेंट के बाद उसका अध्यक्ष बना। मेरा मानना है कि भारत में संपूर्ण भारत एक भारत है ही नहीं, पूर्वी भारत में हम रह रहे हैं। एक भारत ऐसा है जो मंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, दूसरा अपर मिडिल क्लास का है जो सर्विस में है, व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, और तीसरा भारत जो है मजदूरों का है, छोटे छोटे कर्मचारियों का है और व्यवसायियों का। जब तक इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, अभी जितनी सरकारें बन रही हैं वो व्यवसायियों की सरकार बन रही है, अब प्रोफेशनल्स हो गए ये सेवा भाव से नौकरी नहीं करते, उनको वस्तुतः पेंशन नहीं मिलना चाहिए और तरह तरह का पेंशन करके टैक्स के पैसे को लुटाया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूँ, लगातार विरोध करते रहा हूँ और इस जन स्वराज आंदोलन से मैं जोड़ना इसलिए चाहता हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट ही बड़ा पवित्र है, साफ है, ये चाहते हैं कि नए वर्ग के लोगों को एक मौका मिले। अब जनता तक आपका भी कर्तव्य बनता है, मीडिया का, प्रेस का, कि लोगों को प्रेरित करें, मैं हूँ बाद में हमें चुने, बाद में जन स्वराज के लोगों को अधिकार दें। जो साधारण व्यक्ति दिखता है वही कुछ कर सकता है, जो बहुत मालोमाल व्यक्ति है और पैसा खर्च करके चुनाव आज लड़ रहा है वो कुछ नहीं करेगा, फिर पैसा कमाने पर लड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं शिव कुमार झा सुपौल जिला में घर हुआ, 1990 में मैं पुलिस सेवा में आया DSP के पद पर। उसके पहले मैं युगल शास्त्री था, हवाई मैन मेजर बस कमीशन में, आज मैं प्रोन्नति थे IPS में हुआ। अपने पुलिस के सेवा का मैंने अनुभव किया, लगातार समय निगरानी में बीता। मैंने अनुभव यही किया था
कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर कहां कहां फैला हुआ है, सरकार की सबसे कम नजर उस पर पड़ रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप सब गांव के हर निचले स्तर पर पहुंच जाए सरकारी कार्यालय में काम करें, आप अनुभव करेंगे करप्शन क्या होता है बिना आपके सेवा शुल्क किए भी कोई काम आपका नहीं होगा। तो किसी भी सरकार किसी भी राज्य का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक भ्रष्टाचार पर लोग अंकुश ना हो, सरकार का ध्यान ना हो। अपने कार्यालय में कई मंत्री कई बड़े बड़े पदाधिकारी जेल गए, व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी किसी से नहीं हो, लेकिन मुझे आश्चर्य किस कारण वो डिस्टर्ब करते हैं, किस कारण वो घोटाला करते हैं। आपको जानते हुए क्या बात होता है जानते हुए अच्छे अवसर लेकिन क्या परिस्थिति में उनके साथ घटना घटी, क्या लोगों का हाल होता है जब अपने पर आता है तो किस प्रकार से प्रोटेक्शन वो शुरू करते हैं। ये चीज सरकार में समाज में अंदर अंदर कल का राजनीतिक कुछ नहीं जानता है कुछ नहीं करता है। आप 5 सालों में 10 सालों में उनकी आप संपत्ति आप कर रखेंगे। ये भ्रष्टाचार का उन्मूलन बहुत ही आवश्यक है, सारी व्यवस्था चलेगी वो आवश्यक है ताकि सभी को न्याय मिल सके सुलभ हो सके। तो ये जन स्वराज आंदोलन का एक बिंदु ये भी है लोगों को जागरूक करना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चलाना। और आप लोगों का भी भ्रष्टाचार के प्रति बाकी काम में जो भी हर कोई सामान्य काम कर रहा है उसके